बेंजीन के ऊपर लगेगा बेटा? नहीं, ये लाइट है बेटा, वहां पे सीएल2 किसके बदले में क्या था, FeCl3 के बदले में लुईस एसिड के बदले में, पर यहां पे लुईस एसिड नहीं है, ये लाइट के प्रेजेंस में होगा। तो जब लाइट के प्रेजेंस में होगा तो हमें पास किस पे लगाते हैं, एलाइल पे लगाते हैं। कहां पे लगाते हैं? एलाइल। एलाइल कौन सा होता है बेटा? डबल बॉन्ड के जो साथ वाला जो कार्बन होता है उस वाले को क्या बोलते हैं? एलाइल। तो ये डबल बॉन्ड रहा होगा ऐसे, तो ये वाली पोजीशन क्या है बेटा? एलाइल। तो या तो यहाँ लगा दें या तो यहाँ लगा दें। तो जो लाइट के प्रेजेंस में अगर हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं तो कहाँ लगाए बेटा? एलाइल पोजीशन पे। क्या बनाएंगे बेंजीन साथ में क्या लगाएंगे? यहाँ पे से लगा दें या फिर क्या कर दें ऊपर से लगा दें। फिर क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लियर है? और अगर यही रिएक्शन आप क्वेश्चन यही रिएक्शन अगर Cl2 और FeCl3 के बीच में करते तब कहाँ लगाते हैं आप? कहाँ लगेगा आप? बेंजीन के ऊपर लगेगा। अब बेंजीन के तो बहुत सारी पोजीशन है, तो कहाँ लगाएं, कैसे डिसाइड करेंगे, मुझे बताइए। ये वाला ग्रुप क्या है बच्चों? कोई एल्काइल ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप क्या होता है? ऑर्थो डायरेक्टिंग और पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन कौन सी होगी? ये होगी या ये होगी, तो यहाँ लगा दें। या फिर जो पैरा होगी इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में क्या होगी? इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला पैरा, ये पैरा होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा। दो ऑप्शन है, एक तो ऑर्थो पे लगा लिया, कहाँ पे लगाए? पैरा। उसके इसमें कहाँ लगा देंगे हम? या तो सीएल यहाँ लगा बेटा ऑर्थो पे, या इसके रिस्पेक्ट में अगर हम लगा रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा? ये इसके रिस्पेक्ट में क्या है, क्या होगा? आप कहीं भी लगा सकते हो ना, बट ये एक को रिस्पेक्ट के मान के, किसी एक को मान के आप अगर आप इसके रिस्पेक्ट इसको आया से आप शुरू कर रहे हो तो ये ऑर्थो के लिए पैरा हो गया, या अगर ये रिस्पेक्ट के मान के तो ये क्या होता है, ये ऑर्थो और ये क्या हो जाता है, पैरा हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है स्वस्थ? दो बोलिए। क्लियर क्लियर सर? ऐसे लिखा है बेटा Cl2 और HBr, कहाँ लगाएंगे? फिर से कहाँ लगाएंगे बेटा? किस पे लगाएंगे? एलाइल पे। ये वाला कार्बन क्या हो गया बेटा? एलाइल हो गया। क्लियर अगर एक बार और बनाते हैं ना, जैसे कुछ एक बार और बनाएंगे तो भी आप कहाँ पे लगेगा बेटा? एलाइल पे ही लगेगा। तो अगर दूसरी बार भी लगाना है तो भी आप एलाइल पे लगा दें। अब तीसरी बार रिएक्शन नहीं है, अब रिएक्शन तीसरी बार हाइड्रोजन खत्म हो गया, तो ये सीएल और ये क्या बन रहा है? तो हम क्या करेंगे, जितने हाइड्रोजन के बेटा एलाइल पे उतने क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। मेरे जीवन जितने भी एलाइल होंगे,
अब इसमें अगर वो Cl2 और H3 करेगा तो कितनी बार कर सकते हैं इसमें? तीन बार। तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं इससे बेटा Cl से, एक बार, दो बार और तीन बार। तो इसको तीन बार रिपीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो फिर वो जब बिनाइली वाला जब डबल बॉन्ड वाला जाएगा तो वो वाला हम स्प्लिट कराएंगे। हाँ जी बेटा, आप FeCl3 इसके साथ तो बेटा ये एक्टिवेट है, तो अभी ये यहाँ तो ऑर्बिटल भेज देगा या कहाँ भेज देगा? वो एक बार नहीं, नहीं एक ही बार में यहाँ तो ऑर्बिटल भेजेगा या कहाँ पे लगेगा? हर बार कर, तो अगर दो बार भी करोगे तो और तो पैरा पे ही इस अगर हम ऐसे करते हैं ना, एक और रिएजेंट है जो सिमिलर रिएक्शन देता है SO2Cl2। तो जो SO2Cl2 और साथ में यहाँ की लाइट की बन रही होता तो सिमिलर रिएक्शन देता है बेटा Cl2 जैसा, ठीक है? तो आपको फिर से क्या करना है बेटा, एलाइनिंग पे क्या कर देना, एच हटा देना और Cl लगा देना, ठीक है? तो हम यहाँ भी ये सेम डिस्कवर करना और साथ में क्या निकलता है इसमें SO2 और सेम रिएक्शन बता, ये भी देखता है, ये भी एजेंट भी देखता है, ठीक है? हमने पहले डिस्कस किया था NBS का, उत्तर तुमने पूछा था है ना? NBS क्या होता है बेटा, नहीं जानते तो वो तो N ब्रोमो सक्सिनामाइड, क्या बोलते हैं? N ब्रोमो सक्सिनामाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट होता है। हमेशा ये क्या करता है बेटा, एलाइन पोजीशन पे BR क्या जोड़ता है, एलाइन पोजीशन पे BR होता है। तो हम क्या करेंगे यहां पे CH2 और को लगा देंगे बेटा, तो लिखेंगे बेटा N ब्रोमो सक्सिनामाइड, ठीक है? ये कुछ ऐसा होता है, NBS बेटा, ठीक है? तो ये क्या करता है, एलाइनिंग पोजीशन पे क्या जोड़ता है बेटा, BR को जोड़ता है। ये ऐसे होता है, यहाँ निकल कर बेटा NBS, हाँ सबसे डिफरेंट होगा एलाइजिक पे, ये भी एलाइजिक पे करेगा। अब यहाँ पे ना ये होता है NBS निकल रहा है, तो क्या बनाएंगे इसमें, इसमें फिर से एलाइजिक पे हम क्या लगाएंगे बेटा, BR क्या लगाएंगे, एलाइजिक पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन में होता है ये बेसिकली प्रिपरेशन में आया था, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ रहा है इसको। ऐसे लिखा था BR को CCl4 होता है, किसी को याद आया ये रिएक्शन? ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, हंस डीकर रिएक्शन है। तो याद रखिए क्या करते थे बेटा, हंस डीकर रिएक्शन में RCOH होता था, ठीक है राइट? और इसकी रिएक्शन कराते थे मॉलिस्ट Ag2O से होता था, ठीक है? और साथ में रखते बेटा Br2 और साथ में क्या CCl4। तो
बेसिकली क्या होता है बेटा, मॉइस्ट H2O का मतलब होता था AgOH, क्या होता था AgOH, ठीक है। मॉइस्ट का मतलब इसके लिए पानी था तो क्या बन जाएगा AgO, और ये बेस हो गया, ये क्या हो गया एसिड, एसिड बेस की रिएक्शन से क्या मिल जाएगा सॉल्ट मिल जाएगा, तो RCO क्या मिल गया बेटा Ag। अब जब आप Br के प्रेजेंस में करोगे तो AgBr क्या बनाता है बेटा, प्रेसिपिटेट बनाता है, क्या बनाता है प्रेसिपिटेट, ठीक है, क्या बनाता है प्रेसिपिटेट, राइट। तो यहां पे क्या होगा AgBr तो निकल जाएगा, जैसे ही Br यहां पे निकलेगा CO2 क्या बनेगा एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा, तो CO2 बाहर आ गया और यहां पे आपको क्या जुड़ गया Br, तो हमने क्या निकाला यहां पे बेटा Br2 और CCl2 के लिए यहां RBr निकलता है प्लस AgBr निकलता है और प्लस में निकलता है CO2, क्लियर है। इसका मतलब क्या है, हम एल्काइल हैलाइड बनाते हैं इसमें, तो यहाँ पे क्या करना है सबको हटा देना है और क्या लगा देना है इसकी जगह पे Br, ये सारा चला जाएगा, क्या लग जाएगा Br, यहाँ पे क्या लग जाएगा Br, तो इसको क्या कहते हैं बेटा आंसर देख लेते हैं। एक स्टेप ये पीछे से दे सकता है बेटा, हाँ यहाँ पे आपको बेंजोइक एसिड दे सकता है, कैसे दे सकता है, और यहाँ लिख दिया मॉइस्ट, क्या लिख दिया Ag2O, तो एक स्टेप पीछे से भी दे सकता है वो, तो बस ध्यान रखना। ये क्या बेंजोइक एसिड, क्लियर है। एक और रिएक्शन होगा जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं NH2, और इससे अगर हमें डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बताएगा NaNO2, और साथ में क्या लिखते हैं कंसंट्रेटेड HCl, और क्या था 0°C, तो यहाँ पे क्या बना था डाइजोनियम सॉल्ट N2 प्लस और Ca क्या बेटा माइनस, अब रब कर दे सामने, ये रब कर दे, तो अब क्या बेटा इसकी रिएक्शन अब क्या है, वहां पर डाइजोनियम सॉल्ट है, पहले क्या था कि हम यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं इसको हटा के, क्लियर, तो यहाँ पे क्या करते हैं अगर मैं इसकी रिएक्शन CCl से कराता हूँ, साथ में HCl ले लेता, ठीक है, या CuHCl से लेता हूँ, तो CuHCl है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है इसको पूरे को हट जाएगा और ये क्या लग जाएगा बेटा Cl, ठीक है, राइट। और अगर हम यहाँ पे Cb और HBr देखें तो यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा Br, अगर न्यूक्लियर फिर क्या होगा सब्स्टिट्यूशन हो गया, यहाँ पे ये Cl माइनस और यहाँ पर Br माइनस आएगा और इस रिएक्शन को देखने में क्या बोलेंगे, नहीं यहाँ पे ये इसमें सब्स्टिट्यूशन ये का एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन के लिए टेंपरेचर चाहिए होता है, सब्स्टिट्यूशन के लिए टेंपरेचर, टेंपरेचर के लिए सब्स्टिट्यूशन में सॉल्वेंट जरूरी है, तो इसको बोलेंगे होता है डिटरमिनेंट रिएक्शन, तो दिस मींस क्या होता है ये भी इसकी प्रिपरेशन है एल्काइल सॉरी एराइल हैलाइड, इसकी प्रिपरेशन है
हमने एराइट रेड किस किस तरीके से बनाया, मेनली चार तरीके से बनाया था। एक तो बनाया था हेलोजिनेशन से, दूसरा बनाया था किससे, सेंडमेयर रिएक्शन से, तीसरा हमने बनाया हंस डिकर रिएक्शन से, और चौथा किससे बनाया, गेट इट। क्लियर है? कल एक हमने ऐसे रिएक्शन पढ़ी थी, मैंने ऐसे लिखा था CF और यहाँ पे RX का विद्राव लिखा था, इसे ऐसे लिया था। इसको बोला था फिडल क्राफ्ट क्या, एल्काइनेशन। क्या बोला था, फिडल क्राफ्ट एल्काइनेशन। KCl के रिस्पेक्ट में क्या होगा, और पर पैरा के चला जाएगा, या पार ना लग जाएगा, या याद लग जाएगा। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ क्या, बेंजीन। तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ही डिस्कस कर रहे हैं। फिडल क्राफ्ट भी ऐसे होता है, फिडल क्राफ्ट एल्काइनेशन, फिडल क्राफ्ट। हाँ जी बेटा, लिखवाई थी बेटा, सिर्फ रिएक्शन लिखवाई थी मुझे। हाँ, अब इसका मैकेनिज्म देख रहे हैं कि करेक्ट गैटरमैन रिएक्शन कर देंगे बेटा। फिडल क्राफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बताए। ऊपर बेंजीन के ऊपर और हमने जो रिएक्शन देखी थी उसमें क्या था, यहाँ पे क्या लगा था X और RX है, और यहाँ पे क्या था दूसरी सेक्शन है। तो इसमें रिस्पेक्ट में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में स्टोन के नाम मिले थे, ऑर्थो पे जहाँ क्या मिले थे बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है इस रिएक्शन में, तो अब यहाँ पे आप इसको किसको जोड़ोगे, यहाँ पे क्या ये वाला सी यहीं पे करके जुट जाएगा या कुछ और हो। तो कल तक हमें ये लग रहा था कि ये जाके क्या होगा, यहाँ से ये पूरा पूरा आ रहा है और इसको लाके यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ोगे। लेकिन क्या होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, ये आज से जब यहाँ जुड़ेगा तो कभी जुड़ेगा कभी नहीं जुड़ेगा, तो किस कंडीशन में जुड़ेगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे देखिए कभी एक्स जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, कार्बो कैटायन। अब कभी कार्बो कैटायन बनता है, कभी कार्बो कैटायन नहीं बनता, और अगर कार्बो कैटायन बनेगा तो हमेशा क्या होता था, रीअरेंज, ठीक है। और अगर कार्बो कैटायन बनेगा तो रीअरेंजमेंट होगा, तो सेकंड डिग्री वाला यहाँ पे जाके क्या करेगा, इस पे जुड़ेगा। और अगर कार्बो कैटायन नहीं बनेगा तो ये वन डिग्री वाला जहाँ पे एक्स था यही जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो किस कंडीशन में कार्बो कैटायन बनेगा, कब नहीं बनेगा, वो हम इसमें देखेंगे, ठीक है। राइट, सिर्फ अभी आप सिर्फ इतने लिखेगा, ये लिखिएगा क्या बोलते हैं, टॉनिक।
जब बेंजीन से आपको क्या करना है बेटा, टॉलीन बनाना है, और हम क्या करते हैं तो हम फिडल का एल्काइलेशन करते हैं। एल्काइलेशन का मतलब बेटा ऐड करना किसको, आर को ऐड करने को क्या कहते हैं, एल्काइलेशन। उनका सीखने में बेटा फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। तो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेटा क्या होगा, ठीक है, वो लुईस एसिड डिसाइड करेगा कि कार्बोकैटायन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो बहुत सारे लुईस एसिड है, अगर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है तब तो कार्बोकैटायन बनता है, अगर वीक लुईस एसिड है तो कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो लिखिए बेटा ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड तो क्या है, BCl3, AlCl3 और SbCl5+3 से, ठीक है। तो ये जो तीन है बेटा, ये तीन को क्या, और फ्रिडल क्राफ्ट के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और फिर इसके बाद आता है FeCl2, FeCl3, SnCl4 और ZnCl2। तो इस रिएक्शन के लिए क्या है बेटा, ये वाले जो एसिड्स है डिफीट कर रहा बेटा, ये वाले एसिड्स इस रिएक्शन के लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और इस एसिड्स के लिए ये वाले जो एसिड्स है ये क्या है, राइट। अब होगा क्या बेटा, अगर हम मैकेनिज्म में देखते हैं इसको, अगर आप आर एक्स लेंगे बेटा, और इसके पास क्या है, तीन तीन क्या होता है, एक्स पे क्या होता है, लोन पे, और लुईस एसिड क्या करता है बेटा, लोन पे क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। तो ये क्या करेगा, अगर स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है तो लोन पे जल्दी एक्सेप्ट करेगा, और ये बॉन्ड यहां से क्या करेगा, टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो क्या बनेगा, कार्बो कैटायन। तो दिस मींस क्या होगा, ये एक्सेप्ट करेगा तो यहां मिलेगा आर प्लस, और फिर क्या मिला होगा, एएन यहां पे, और एक्स का होगा माइनस, या सीएल लिया होगा तो एएन सीएल टू का बन जाएगा बेटा माइनस। तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा बेटा, कार्बो कैटायन बना, क्या बना बच्चों, कार्बो कैटायन। कार्बो कैटायन क्या होता है बेटा, रिएक्शन। और फिर जब रीअरेंजमेंट होगा उसके बाद, आपने रीअरेंजमेंट करने के बाद क्या करना है, मतलब बेंजीन पे क्या लगाना है आपको आगे, आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हो गया क्या, रीअरेंजमेंट, और थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, बेंजीन पे आप क्या करोगे, आप आर प्लस को लेके आओगे और क्या लगा देंगे, आर लगा, है ये एक वो ही है कल वाली जो रिएक्शन हमने लिखी थी, अलग AES रिएक्शन है। यहाँ पे मैं इसको बता लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा R प्लस के साथ जुड़ जाएगा बेटा, और हमें क्या मिलेगा R। ये स्ट्रॉन्ग वाले के लिए बेटा तीन स्ट्रॉन्ग थे, कौन कौन से, PCl3, AlCl3 और SbCl3, अब वीक के अगर साथ करेंगे तो देखिए क्या होगा ना, अगर मैं RX लिखता हूँ और ZnCl3, अब ये वीक है बेटा, हाँ तो इजीली क्या करेगा, यहाँ पे ये जो X है इस पे अप्रोच करेगा और इस X पे पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये ZnCl3 को पास में कर देगा। अब क्या हुआ, x यहां से निकला नहीं, ठीक है भाई। अब क्या होगा, जब ये बेंजीन आएगा यहां पे इसके साथ में, अब ये बेंजीन क्या होगा, x का इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा,
क्योंकि क्या होता है बेटा, बेंजीन क्या होता है हमेशा पाई की तरह बिहेव करता है, पाई बॉन्ड है, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो दिखेगा किस पे चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये किस पे अटैक होगा, इस पे अटैक होगा। इसका मतलब इस केस में जो आर जहां से होगा इससे जुड़ा होगा वही ला के हमें क्या कर देना है जोड़ दे। तो इसका मतलब जो आर यहाँ पे सेपरेट हो रहा है वो किस स्टेप में हो रहा है, लास्ट पे। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे बेंजीन, और फिर साथ में क्या मिलेगा बेटा, और ये फिर यहाँ से क्या करेगा टूट के अलग हो जाएगा, साथ में क्या मिलेगा बेटा एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, अगर स्ट्रॉन्ग है बेटा तो रीअरेंजमेंट करना है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो रीअरेंजमेंट नहीं करना है, जहां एक्स लगाए वहीं पे लाके इसको क्या कर देना होता है जोड़। फिर जैसे अगर हम ऐसे कुछ भी देखें, अब वहां पे क्या होगा रीअरेंजमेंट, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, जहां सीएल लगा हुआ है उसको हटाना है और इसी को क्या करना है यहाँ पे लगा विदाउट रियल, ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, बेंजीन बनाया और क्या लगा दिया बेटा CH2 और क्या लगा दिया CH3। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, पहले वाले इस वाले में क्या होगा रियल, तो यहाँ से सीए पहले जाएगा ये तरफ में होगा प्लस, क्या बनेगा कार्बो कटा, ठीक है। यहाँ पे किसी को रीअरेंजमेंट था, किसका रीअरेंजमेंट करेंगे यहाँ पे हम, ये क्या बेटा जब ऐसे जाएगा ये CH3 CH2 और CH2 इस पे क्या बेटा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या है 1 डिग्री, क्या है 1 डिग्री है, और इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा कार्बो कटा किसके पे किससे देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन से, तो कितने हाइड्रोजन बेटा अल्फा, तो होगा क्या बेटा इसके जो अल्फा पोजीशन से क्या करेगा एक एच क्या करेगा माइग्रेट कर देगा उसको, तो ये एच, तो ये एच इधर जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा सेकंड वाले का, इसको क्या कहते हैं हम रियल, क्या कहते हैं रियल। तो 1 डिग्री से कार्बो का टाइम क्या बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज और क्या बना बेटा CH3। अब ये कौन सा बन गया 2 डिग्री, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हो गए 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए। अब ये इससे ज्यादा स्टेबल कार्बन कटायन हमें नहीं मिलेगा, इसको लाके क्या करेंगे उस पे जोड़, तो यहां पर क्या मिलेगा हमें बेंजीन और ऊपर क्या मिलेगा CH और क्या मिलेगा CH3 और CH3। तो देखिए सेम रिएक्शन थी बट लुईस एसिड के डिफरेंट होने की वजह से क्या मिला हमें 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, क्लियर है रीअरेंजमेंट, क्लियर है।
से क्वेश्चन दिया बेटा, पीएच 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 बेंजीन की बने राइट, और आरएफ आरसीएल आरपीआर और आरआई और यहां पे है जैसे पीएचसीएच सबने रियल और रेट पूछ रहे हैं ताकि किसका रेट ज्यादा हो, आरआई का आरबीआर का आर1 आर2 आरपीआर को किसका रेट ज्यादा। बनना अलग बात है, उसमें रेट पूछा है, रेट अलग चीज है बेटा, बने ना बने वो अलग चीज है, बट जब रेट पूछेगा तो उसको रेट के हिसाब से आंसर करना, बनने ना बनने के हिसाब से नहीं करना, यील्ड नहीं पूछिए ना, फिर रेट पूछा तो रेट के हिसाब से आंसर करना। आर एफ क्या रीजन देंगे, राइट आंसर तो सही है बेटा, सबसे पहले आर वन होगा फिर आर टू होगा फिर आर थ्री फिर क्या होगा आर फोर, रीजन दे रहा हूँ जब ये इसके साथ जुड़ेगा पहले, और अगर मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ स्टोरी लिखता हूँ तो अब आप सोचिए यहाँ पे जो एन है बेटा ठीक है ना, उसका जो ऑर्बिटल है क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल फ्री पड़ा हुआ है क्योंकि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है चाहिए पर है, इसका एक ऑर्बिटल क्या है एम्प्टी है, और एम्प्टी कौन सा होगा बच्चों पी पी वाला ठीक है राइट, और ये क्या होगा इसके लोन पेयर हो किसमें है टू पी, अगले वाले के लोन पेयर किसमें है थ्री पी और किसमें थ्री पी में, अगला वाला जब बी आर आएगा तो किसमें हो जाएगा फोर पी और थ्री पी में, और फिर अगला वाला जाएगा आई वो किसमें हो जाएगा थ्री पी और किसमें बेटा फाइव, तो क्या होगा बेटा जब क्या होते हैं ये जो क्या होता है उनके ये क्या होता है जब नंबर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है बेटा सेम होता है या छोटा होता है ओवरलैपिंग क्या होती है स्ट्रांग होती है, तो ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगी इसका मतलब ये क्या करेगा इसके साथ जाना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या करेगा यहाँ से क्या करेगा टूट जाए, और जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं क्या रहे हैं डिफरेंस क्या करता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, प्लस क्या है नंबर ऑफ जो सेल है वो न्यूक्लियस से क्या होता जा रहा है दूर होता जा रहा है, तो क्या होगा ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होगी तो ये बॉन्ड इजीली टूटेगा नहीं, तो टूटेगा नहीं तो यहाँ से क्या करेगा आर पास बनेगा भी जल्दी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आर पास सबसे पहले किसका बनेगा एफ का फिर सी एल का फिर बी आर का फिर किसका आई का, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा बैक बॉन्डिंग हो जाएगी या फिर क्या होगी ओवरलैपिंग, तो इस पे लोन पे है ना तो इसने क्या करा इसने लोन पे इस पे ट्रांसफर कर दिया, क्लियर है, इसका मतलब क्या करेगा यहाँ से टूट जाएगा और आर प्लस क्या आंसर देंगे बेटा आर वन आर टू आर थ्री क्या हो जाएगा, इसका मतलब याद रखिए बेटा जो रेट होगा रिफाइनेशन का वो आर एफ का सबसे ज्यादा होगा बेटा फिर आर सी एल का फिर आर बी आर का और फिर आर आई का सबसे ज्यादा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा याद रखने की बात, बहुत सारे बहुत तरीके की एल्काइलेशन होते हैं, क्लियर है ना, सिमिलर रिएक्शन होती है बेटा एसाइलेशन, क्या होता है एसाइलेशन जो इसकी लेवल क्लास के रिएक्शन पर कोई यहां पे पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है ना फ्रीडाइल क्राफ्ट एसाइलेशन
डेल क्रॉ एस आई लिख लो, SI list क्या होता है बेटा? SI fluoride क्या होता है? RCOCl, ये क्या होता है? बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है? डेरिवेटिव, क्या होता है? डेरिवेटिव। तो इस बार क्या करना है आपको, बेंजीन लेना है, या अगर बेंजीन ले लो और यहाँ लिखने के बाद क्या होता है, RCOCl और यहाँ लेते हैं लुईस एसिड, क्या लेते हैं? लुईस एसिड। करने के लिए एसिड इसका होता है AlCl, ठीक है? तो क्या करना है आपको, यहाँ पे वहां पे क्या हुआ था, इस सीएल को हटाना है और इसको यहीं पे लगा देना है सीधे सीधे। तो क्या करना बनाएंगे यहाँ पे ना, सी डबल बॉन्ड टू, और क्या लगाएंगे बेटा, आर, क्लियर है? यही अगर हम रिएक्शन किसके प्रिंस में कराते हैं बेटा, एराइल हैलाइड के प्रिंस में कराते हैं, तो यहाँ लिखता आर सी ओ और क्या लिखता बेटा, सीएल। अब ये इसको किधर डायरेक्ट करता, और फोर किस पे, एरा पे। हमें क्या मिलता है यहाँ पे बेटा, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या मिलता है, सी डबल बॉन्ड और क्या मिलता है, आर। दूसरा क्या मिलता है, क्लियर है बेटा? इसको कैसे नहीं, ऐसे तो आर सी ओ आर भी होगा, ऐसे भी इसलिए की टोन चाहिए है, की टोन सी डबल बॉन्ड हो, उधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है रिएक्शन, आर सी डबल बॉन्ड और सी एल रिएक्शन कराया हमने AlCl3 के साथ। अब इसके पास क्या बच्चों, लोन पे है और ये क्या है, स्ट्रेसिक प्लेस को ले ले और यहाँ से ये बॉन्ड क्या करेगा, टूट जाएगा। अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, आर सी और यहाँ पे क्या मिलेगा, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसके डबल बॉन्ड में इसके क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और ये AlCl को माइनस निकल गया। अब ये कार्बो कैटायन क्यों स्टेबलाइज है, अब यहाँ पे क्या बेटा, दो फिल्म ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्या हो जाएगा, बैक बॉन्डिंग। जब कभी भी बेटा किसी एक एटम पे लोन पे हो और साथ में क्या हो, कोई वे के पास बेटा, तो वहां पे क्या हो जाती है, बैक बॉन्डिंग हो जाती है, बैक बॉन्ड। तो कार्बन या तीन बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब इसके पास एक क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल, तो ये क्या करेगा, वो लोन पे इसको, तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंड बॉन्डिंग हो जाएगी और ये मिलेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड को, और वो फिर क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है, राइट? हमें क्या मिला बेटा, आर सी ओ मिल गया, क्या हो गया बेटा यहाँ पे, बैंड बॉन्ड। ये भी क्या होता है यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड क्या ऑक्सीजन पे बेटा पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज क्या होता है बेटा, अनस्टेबल। तो जैसे ही चाहेगा उसको खत्म करना चाहेगा, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको
ये इलेक्ट्रोफाइल और यूनिट के साथ इतना बिहेव करेगा, तो इस पे अप्रोच करेगा, ये बॉन्ड क्या करेगा, इसे टूटेगा, तो जब टूटेगा तो यहां क्या आएगा, जो नेगेटिव चार्ज एक जोन पे, और ये कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे, और ये बॉन्ड फिक्स कर चला जाएगा वापस। तो हमें क्या मिला बेटा, दीक्षा में जो कल हमने पकड़ी थी बिल्कुल सिमिलर हो गई है, यहां पे क्या चल रहा है, कॉस्मिक स्टे ही चल रहा है, यहां चल रहा है सी डबल बॉन्ड और क्या लगे बेटा, आज में यही को करेक्ट करेक्ट। और लास्ट स्टेप में क्या होता है बेटा, वहां पे इस एच को हमने क्या करा था कि कल भी बता रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एलिमेंट सब्स्टिट्यूशन में, तो लास्ट में क्या मिला था हमने एच प्लस एच ये माइनस ये वाला, ये क्या करेगा इस एच प्लस को क्या करेगा लेके जाएगा, यहां पे क्या चाहता है नेगेटिव चार्ज है लोन पे, और एलिमेंट की दोबारा क्या करेगी गेन हो जाएगा। दिस मींस क्या होगा, लास्ट में क्या किया था हमने, ये बेंजीन और इधर क्या चला था सी वाला था आर में बेंजीन दोबारा कल वाला ही मैकेनिज्म है बेटा, हमने कल भी क्या किया था सेम किया था, इलेक्ट्रोफाइल को अप्रोच किया था, तो इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया था, पॉजिटिव चार्ज था, लास्ट में क्या किया था हमने एच को क्या करा था यू पर किया था, वहां पे डबल बॉन्ड लगा दिया, जब आप एच प्लस की निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन इस एच का रहा, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इस एच का, ये भी हो गया, ये क्या करेगा था बॉन्ड, तो दोबारा क्या होगा एरोमेटिक द्वारा स्टेब्लिश हो जाएगा। अब ऐसा कुछ नहीं बेटा, इसीलिए आर सी डबल बॉन्ड और आई आर सी डबल बॉन्ड और बी आर और आर सी डबल बॉन्ड सी और आर सी डबल बॉन्ड होते हैं बेटा एफ। अब मुझे बताइए किसका ज्यादा है इस केस में, हमने भी चार अलग अलग कर दिए यहाँ पे, वहां पे आर स्केल आ रख दिया था, किस केस में किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे लीविंग एबिलिटी देखेंगे, क्या देखेंगे लीविंग एबिलिटी, तो आई माइनस सबसे अच्छा क्या होता है लीविंग ग्रुप होता है, इसका कंजुगेट जितना स्टेबल होता है उतना अच्छा क्या होता है लीविंग ग्रुप, आई का साइन बहुत बड़ा है बेटा, उस पे नेगेटिव चार्ज है वो डिस्पर्स हो जाएगा तो क्या होगा ज्यादा स्टेबल होगा, बट एफ माइनस का साइन छोटा रहेगा साथ क्या रहेगा कंसंट्रेटेड रहेगा, तो क्या रहेगा बी मतलब अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है, इसका मतलब लीविंग एबिलिटी किसकी है आई की बी आर की सिलेक्ट किया, जितना जल्दी है जाएगा यहाँ से उतना जल्दी निकलेगा, तो आई वाले सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है, फिर कौन सा बी आर, फिर कौन सी एल, फिर कौन सा एफ, तो सबसे ज्यादा रेट किसका बेटा फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का, फिर किसका बेटा फोर्थ, लेकिन बेटा रेट डिपेंड्स अपॉन लिविंग एबिलिटी, रेट किस पर डिपेंड करेगा लिविंग एबिलिटी। उस पर डिपेंड कर रहा था उसके साथ ओवरलैपिंग गई, याद रखनी बेटा एक चीज है, पहले ही बताया मैं तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ, जो कभी भी क्या होता है आर सी डबल बॉन्ड ऐसे डेरिवेटिव के साथ जो भी अंक लगा होता है ये लीविंग ग्रुप होता है हमेशा, ठीक है, होता क्या है कोई भी जब नेगेटिव चार्ज करता है करता तो नहीं वापस आता,
और यहाँ पे क्या रहा था, नेगेटिव चार्ज आता था, लेट्स सपोज आपने कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करा, अभी जब बैक अटैक करता है तो यहाँ से एक्स माइनस क्या करता था, निकल जाता। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव में जो एक्स लगा होता है उससे क्या होता है, लीविंग होती है। जैसे अगर हम इसकी रिएक्शन कराना चाहें, लेट्स सपोज हम सेम रिएक्शन है जैसे ऐसे बेंजीन है और यहाँ पे लिखा मैंने आर सी ओ सी एल, यहाँ लिख दिया था आर सी ओ ओ आर, या यहाँ आर लिख दिया सी ओ ओ सी ओ और क्या बेटा आर, ये सारे के सारे क्या है बेटा, लिविंग ग्रुप है। क्या है, लिविंग ग्रुप। अगर मैं यहाँ लिखूँ आर सी डबल बॉन्ड और क्या ओ एच, ऐसे भी ऐसे के रहते हैं, ये और ये सारे के सारे क्या है, लिविंग ग्रुप। तो इन सबसे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे उनके साथ क्या लिखूँ एयर सी एल थ्री लगा दूँ तो सबका आंसर क्या मिलेगा बेटा, सेम मिलेगा सी ओ बेटा सबके साथ, क्योंकि सबके सब यहाँ से निकल जाएंगे, सबके पास लोन पे रख देंगे, इसके पास लोन पे, इसके पास लोन पे, इसके पास, इसके पास सबके पास लोन पे, सबके सब एयर सी एल थ्री के साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ से टूट जाएगा और क्या लग जाएगा मतलब। तो वहां पे हम क्या देखते हैं, लीविंग एबिलिटी देखते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं बेंजीन रिएक्शन को कि बेंजीन के साथ जब एसिड डेरिवेटिव रिएक्शन कराओगे हमेशा क्या मिलेगा, एसआई मिलेगा। ठीक है, जिसमें मैंने ए के पूछे बेटा आर वन आर टू आर थ्री और आर फोर पूछे, अब यहाँ पे रेट पूछे बेटा किसका सबसे ज्यादा हो, जो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, तो जिसका साइज इतना बड़ा होगा ना उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, क्योंकि उसका कॉन्जुगेट उतना क्या होता है स्टेबल। यहाँ सब पे ओ है, यहाँ पे क्या है सी एल, तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन होगा, सी एल एज कम्पेयर टू क्या बेटा ओ। तो सबसे पहले रेट किसका ज्यादा होगा, आर वन का, क्योंकि जो सी एल माइनस है सबसे अच्छा ग्रुप है एज कम्पेयर टू इन चार। अब बचे ये तीन बेटा, अब इन तीन में किसका कॉन्जुगेट सबसे स्टेबल है, अगर आप निकालें यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा दीजिए, आप बताइए क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पे क्या रेजोनेंस है कि नहीं है, क्या इन दोनों में रेजोनेंस है, नहीं। इसका मतलब नेक्स्ट कौन सा आएगा बेटा, आर थ्री। अब इन दोनों में क्या होगा, इसके पीछे आर लगा हुआ है तो ये नेगेटिव चार्ज को और भी क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, प्लस इफेक्ट होता है, आर का क्या ग्रुप होता है प्लस आई इफेक्ट होगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को तो और भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा नहीं तो फिर क्या होगा बेटा, यहाँ पे फिर क्या होगा आर फोर, फिर क्या होगा बेटा आर फोर, तो ये रेट हो जाएगा बेटा इसका, इस एसाइलेशन का आर वन आर थ्री आर फोर और फिर क्या बेटा आर। थोड़ा सा अच्छा स्लो पेस पेस करा,
नेक्स्ट अगर बात करें बेटा तो इसमें दो रिएक्शन थी बेटा बेंजीन की जो हमने पहले डिस्कस करी थी। एक हमने डिस्कस किया था AES, ये सारी कौन सी रिएक्शन थी बेटा AES, क्या बोला था इसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट राइट। और दूसरी लिखी थी हमने SNAE, क्या लिखा था SNAE, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक क्या करें सब्स्टिट्यूशन बोला था, या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन साथ में एडिशन और क्या था एलिमिनेशन। फिर अब लिखे बेटा अगर सेकंड रिएक्शन लिखी SNAE का, SNAE रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन में बेटा ये अल्फाइन हाइड्राइड है, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन एलिमिनेशन हमारे पास रिएक्शन है बेंजीन हमारे पास और साथ में क्या लगा बेटा एक्स लगा, क्या लगा हुआ है ठीक है राइट। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या बेटा यहाँ से एक्स माइनस जाएगा और इसके जगह कोई और न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, ये मतलब है सब्स्टिट्यूशन का। तो कैसे लगेगा ये रिएक्शन बेसिकली क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस, बेस क्या होता है न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं क्योंकि उन पे क्या चार्ज होता है नेगेटिव। तो ये रिएक्शन होती होता है NaNH2 के प्रेजेंस में या फिर KH2 के प्रेजेंस में, KH2 के ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्योंकि K पे तो कौन सी कार्बन होगा, Na कौन सी कार्बन होगा, तो हमें क्या मिलेगा NH2-, क्या मिलेगा NH2-। अब करना है क्या बेटा मैकेनिज्म, ये क्या है बेस, बेस किसके साथ रिएक्शन करता है बेटा एच के साथ, मैंने बोला था न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क है, बेस एच के साथ बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोफाइल कार्बन के साथ बॉन्ड। तो होगा क्या बेटा यहाँ पे एक एच होगा, तो ये बेस क्या करेगा इसे एच प्लस को लेके जाएगा, क्या करेगा एच प्लस को लेके जाएगा, तो जैसे ही एच प्लस को लेके जाएगा बच्चों तो हमें क्या मिलेगा देखिए एक्स और यहाँ का चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज है लोन के, क्लियर है। और ये क्या होगा जब नेगेटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियोफाइल हो गया ये जब अटैक करेगा तो यहाँ से लीविंग ग्रुप क्या करेगा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बनेगा अगर ध्यान से देखिएगा और ये चीज देखिए यहाँ से क्या ऐसे बना, और ये क्या बना क्वेश्चन ऐसे पूछता है ठीक है इसको बेंजाइन बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेंजाइन, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है बेंजाइन में कितने एसपी कार्बन, बेंजाइन में कितने एसपी कार्बन है, तो यहाँ अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से कितना होगा उसका एसपी हो जाएगा क्योंकि एल्काइन क्या होता है एसपी होता है, पर याद रखिए बेटा यहाँ पे कोई भी एसपी कार्बन नहीं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे कोई भी एसपी कार्बन, तो यहाँ पे क्या है ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है बेटा ट्रिपल बॉन्ड का पाई, ये लिखा ऐसे है बट ये पाई बॉन्ड नहीं ठीक है राइट, क्योंकि अगर पाई बॉन्ड बना दोगे तो स्ट्रक्चर क्या बनाना चाहिए उसका लीनियर, तो क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा जब आप लीनियर बना दोगे, इसका मतलब ये कार्बन कभी भी एसपी नहीं, तो ये क्या है बेटा ये एक आयनिक बॉन्ड है, क्या एक बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ इसके बीच में ये जब यहाँ से गया होगा क्या पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ होगा, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा ऐसे क्या है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, मतलब आयनिक कैरेक्टर बता रहा है, क्या बता रहा है बेसिकली क्या है अगर आपने यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया और आपने बोल दिया एसपी हो गया तो एसपी का बॉन्ड एंगल कितना होगा 180, क्या अगर ये 180 होगा तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसका मतलब ये बॉन्ड क्या है देखिए ये जब एक्स गया होगा तो यहाँ पे क्या चार्ज रहता है पॉजिटिव, तो ये बिल्कुल वैसे ही बॉन्ड है जैसे एन प्लस और किसके बीच में है Cl- के बीच में, और आयनिक बॉन्ड को कैसे बात करते बॉन्ड डॉट के साथ
ये क्या बता है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो ये बेसिकली क्या था, इसके बीच का बॉन्ड है। तो हमने इसको ऐसे निकाल कर दिखाया ऐसे करता है, बट बेसिकली ये क्या बेटा आयनिक कैरेक्टर है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो याद रखें इसमें नॉट अ पाई बॉन्ड, यहाँ पाई बॉन्ड एक ही है, यहाँ पे एक पाई है और एक क्या है सिग्मा है, और ये आयनिक बॉन्ड है, आयनिक कैरेक्टर। क्लियर है? क्या बोलते हैं बेंजाइन, क्या बोलते हैं बेंजाइन। This is reaction intermediate. पूछता है वो कि reaction intermediate क्या बनता है? This is intermediate. क्या clear है कि नहीं? clear है बेटा बताइए। clear है बेटा? क्लियर है? सोचिए न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या था, यहाँ पे NH2 था न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट है। अब जो NH2 है न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा, कैसे बिहेव करेगा NH2, और यहाँ पे क्या था अगर आप सोचे तो यहाँ पे क्या था पॉजिटिव और यहाँ पे क्या था नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, इस पे अटैक कर देगा, करेक्ट है ना? क्लियर है ना बच्चों के लिए? यही था जो हमने बोला था, ये पॉजिटिव, तो इस बॉन्ड को मैसेज कर दे तो यहाँ क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, लोन पे होगा। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास बेंजीन, और यहाँ क्या लग गया बेटा NH2, और ये क्या काम आ गया नेगेटिव, ये सिचुएशन हो गई। क्लियर? करेक्ट है। और ये जो रिएक्शन होती है बेटा साथ में यहाँ पे लिक्विड अमोनिया लेते हैं, क्या लेते हैं इसमें लिक्विड अमोनिया, अब आप सोचिए हमने क्या किया था यहाँ पे, जब ये आया था तो इसका एक एच हटाया था, यही अगर हम एक एच दे दें तो वापस बेंजीन बन जाएगा, तो होगा क्या ये जो अमोनिया ने जो किया था उससे एक एच मिल के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि अमोनिया क्या है बेस, ये हो गया NH2, और जो आपने NH2 दिया था वही NH2 क्या हो गया बाहर। अमोनिया से क्या निकला H+, H+ यहाँ चला गया तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया और दोबारा बेंजीन बन गया, NH2 क्या हो गया इलेक्ट्रोफाइल आया जुड़ा और बाद में H+ क्या करा चला, ठीक है क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल में आपने H+ लिया, हमने H+ छोड़ दिया और बाद में क्या करा H+ को निकाल दिया, और ये दूसरा मैकेनिज्म है जहां पहले हमने क्या पहले क्या निकाला इस बार H+ निकाला, और H+ निकलने के बाद क्या निकला XC निकला और क्या बना बेंजाइन बना, और बेंजाइन पे हमने क्या अटैक करा दिया इलेक्ट्रोफाइल पर, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया इस तरह का एक्स के जगह एक्स को हटाना है और NH2 लगा, यहाँ पे एच और NH2 बेटा अमोनिया आ गया, क्या है
जी बेटा, और तीन लेक्चर में हो जाएगा, कल नॉर्मल डिस्कस करेंगे और फिर बाकी लेक्चर में क्या होगा जो भी है। उसके बाद का ई लोग ई करना तो बेटा ये भी खुद ही है। हाँ खत्म ही होगा, इतनी जल्दी होगी बेटा, बहुत टाइम नहीं लगा, थोड़ा सा और लगता है वो करना नहीं। माइंड मिस्टर का नाम होता है निजी ना, क्या है ये निजी होता है निजी। जैसे अगर मैं ऐसे कुछ भी बताऊँ, देखो ऐसे कुछ भी आता है, और यहाँ मैंने इसलिए रखा भाई NaNH2 और लिक्विड अमोनिया के अंदर क्या प्रयोग बना है। अच्छा क्वेश्चन है, दिया रखा कि क्या रखा देंगे NH2। याद रखिए बेटा कैसे हुई, कैसे हुई, इसके कैसे हुई होता है, मैकेनिज्म यही पे काम आता है। एच निकला, क्या इसके पास कोई एच है ऑर्थो पोजीशन पे? नहीं। तो जब तक बी आर के ऑर्थो पोजीशन पे एच नहीं होगा, ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। दोनों पोजीशन पे क्या लगा है, कोई भी ऑर्थो पोजीशन पे एच नहीं है बेटा, तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ऐसे नहीं कभी होगी बेटा जब ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा होगा, एच लगा होगा, तो दिस मींस यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, कोई एच नहीं है, दिस मींस क्या करेगा वो एच। अच्छा ये आइसोट्रोपिक इफेक्ट देगा कि नहीं देगा, मतलब अगर यहाँ पे डी को यहाँ पे एच को देगा, क्योंकि एच क्या होगा डी जल्दी, क्योंकि पहले इसका क्या इसका आर डी एच, तो दिस मींस रेट किस पर डिपेंड कर रहा है बेटा, एच पे, कि एच जाएगा तो यहाँ डी लगा होगा तो रेट क्या होगा स्लो, एच लगा होगा तो रेट क्या होगा फास्ट। ठीक है, तो रात ठीक है, आइसोट्रोपिक इफेक्ट क्या करेगा स्लो, मतलब अगर हम यहाँ पे बेंजीन के साथ में क्या होता है, यहाँ पे एच लगा हुआ है ए पी आर, और बेंजीन के साथ में यहाँ पे क्या होता है बी आर आर लगा हुआ है टी लगा हुआ है, तो ये आर वन और ये आर टू होता है, आर वन क्या होगा बेटा, आर टू होगा अभी बड़ा कुछ कुछ एनसीईआरटी में वो कर रहे कर रहा हूं के भी आ सकते हैं। एक लास्ट रिएक्शन बता वो भी लिखेंगे, ये क्या होता आई और साथ में रिएक्शन का आपने सी के साथ में बता, और एक और मैं यहां पे लिखता हूं आई, ये सेम लिख रहा हूं, ये सेम उस रिएक्शन जैसे अगर आप देखें वहां पे क्या था एनी था, और इधर आरएक्स और इधर क्या था बेटा आरएक्स, और बीच में इसको हटा दिया था और डाई फिनाइल बनाया था आपने, तो इसमें यहाँ भी क्या साइन होगा पीएच को पीएच से जोड़ देंगे और डाई फिनाइल बना देंगे ऐसे। क्लियर राइट? इसको क्या कहते हैं कुलमेंस रिएक्शन, क्या कहते हैं कुलमेंस रिएक्शन। एनसीईआरटी में बहुत सारी क्वेश्चंस है बेटा, कहां का भी है बेटा, क्या कोई बने रहता है, देखो क्वेश्चन भी करेंगे हमें, क्या करना है बेटा क्वेश्चन की बना है
टॉलिन से मतलब बेंजोइल अल्कोहल बनाना है। क्या बना रहे हैं, मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें पता नहीं कि बेंजोइल अल्कोहल होता क्या है, कभी भी नहीं बना पाएगा। हमें टॉलिन से क्या बनाना है, बेंजोइल अल्कोहल पहला कन्वर्जन। तो हम टॉलिन को अगर तो बेंजीन के ऊपर क्या हो CH2, इसको क्या बोलेंगे टॉलिन। अब हमें क्या बनाना है, बेंजोइल अल्कोहल बनाना है। बेंजोइल अल्कोहल का मतलब यहाँ से एक का चटा के क्या लगाना है OH, क्या लगाना है OH। हम कैसे बनाएं इसको बेंजोइल अल्कोहल को, एक तरीका ये है बेटा कि यहाँ से एक हटा के सीएल लगा दे और सीएल पे हटा के क्या लगा दे OH, वो कर सकते हैं। तो ये कौन सी पोजिशन है, एलाइलिक, एलाइलिक पे होता है सीएल लगाने का, कहते हैं सीएल को क्या रखते थे लाइट, अभी देखा था हमने। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पूछो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 क्या हो जाएगा CL, है ना। और अब CL को हटाना क्या आसान है, CL को कैसे हटाते हैं, RH से कैसे हटाते हैं, हम OH से एक्वस क्या लिखते थे KOH, दो रिएजेंट थे एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH। एक्वस KOH क्या देता था सब्स्टिट्यूशन, एल्कोहलिक KOH क्या देता था एलिमिनेशन। तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों, एक्वस क्या लिख देंगे KOH हम ये बना रहे हैं बेटा, इससे बेंजीन को डाई फिनाइल बनाना। तो क्या करें, बेंजीन को डाई फिनाइल बनाने के लिए पहले क्लोरीनेशन कर देते हैं या ब्रोमिनेशन करते हैं, हैलोजिनेशन होगा। तो जब हैलोजिनेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे Br2 और साथ में क्या लिखा था HBr3, कल किया था हमने। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा Br, और अब यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दें या क्या कर दें, मिक्स कर दें, कोई भी रिएक्शन कर दें। तो यहाँ पे लिखे Na और साथ में करके ड्राई इक्वल तो क्या मिल जाएगा, ये पहली वाली रिएक्शन है बेटा। पहले हमने क्या जोड़ा, हैलोजिनेशन किया और उसमें के बाद क्या कर दिया, प्रतिक्रियाशन कर दी, क्या कर दी प्रतिक्रियाशन। बेंजीन को डाइफिनाइल कन्वर्जन था, बेंजीन को डाइफिनाइल। देखिए कैसे अब एमसीक्यू आएगा ना, एमसीक्यू आपको ऐसे देके पूछेगा एंड प्रोडक्ट बताएं, ठीक है राइट। ऐसे देके पूछेगा ये दो दे दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ ये लिख दिया, लिख दिया पूछेगा ना ए और बी बताएं, क्लियर है। बेंजीन को 4 ब्रोम नाइट्रो बेंजीन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे आप, ड्राई कर बेटा, कैसे करेंगे इसकी बेंजीन पे हमें क्या करना है, 4 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन जोड़ना है। तो कल हमने किया थी ये रिएक्शन ऐसे ही सिमिलर रिएक्शन करके, तो पहले ब्रोमीन जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद ब्रोमीन क्या करता है ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो ये फोर्थ पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है, पैरा, है ना। सेकंड कौन सी होती है ऑर्थो, थर्ड क्या होती है मेटा, फोर्थ क्या होती है पैरा। दिस मींस बेंजीन ले और ये कर दे तो ये पहले स्टेप से यही होगा। अब फोर्थ पे से नाइट्रेशन करते हैं, नाइट्रेशन करने का क्या तरीका होता है, HNO3 और साथ में क्या होता है H2SO4 मिला है। और नाइट्रो वाला मेजर पैरा वाला ही क्या बना था, मेजर बना था, माइनर कौन सा बना था ऑर्थो,
यहाँ पे भी ये दिया और ये क्या कर रहा है, देखिए ना आपको फोकस ही कन्वर्जन पे करना है, एरोमेटिक्स में कन्वर्जन ही, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में करना है होता एंड ली क्या करना है, एंड ली टू हमें करना है होता क्लोरोबेंजीन बनाना है। कैसे बनाएंगे देखो कौन बताता है, एंड ली टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन बेटा कैसे करेंगे बेटा, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन कैसे करेंगे बेटा। एनिलीन हटाने का सबसे तरीका क्या था, डाइजोनियम सॉल्ट बना दो है ना, और फिर क्या करें गेटरमैन रिएक्शन कर दें, CuCl कर दें, तो CuCl से क्या हुआ था, अगर देखिए आप पहले क्या करा था आपने, इससे हम क्या करते हैं हम यहाँ लिखते हैं NaNO2 और साथ में क्या लिखते बच्चों HCl, यहाँ क्या मिलेगा N2 प्लस और क्या बेटा Cl माइनस, और इसके बाद हम गेटरमैन करते हैं या कर्म में देखिए कौन सी रिएक्शन सेंडियर रिएक्शन, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे C2Cl2 की कर्म में, तो ये हट जाएगा और क्या लग जाएगा बेटा Cl लग जाएगा। कोई भी डाउट है कभी बेटा किसी को कोई का पूछ लीजिएगा एनी टाइम, ठीक है। सो जल्दी क्लियर है बेटा आपको, क्लियर कभी भी अगर आपको लगता है कि क्लियर नहीं है तो पूछ सकते हैं।